भारत और पाकिस्तान के T20 मैच से ठीक पहले भारतीय टीम ने कुछ ऐसा किया जिससे सब हैरान हो गए। लोग गूगल पर चेक करने लगे कि आखिर भारतीय टीम ने ऐसा क्यों किया। भारतीय खिलाड़ी अपने एक घुटने पर बैठ गए। ज्यादातर क्रिकेट फैंस समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने एक घुटने पर बैठने की इस प्रथा को अंग्रेजी में टेक द नी कहा जाता है। आपको बता दें कि मैच की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने घुटने पर आकर ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट का सपोर्ट किया। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद 2020 से खेलों में, खासकर फुटबॉल मैचेस में, घुटने पर बैठने की प्रथा काफी प्रचलित हो गई। सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के इस कदम की कुछ लोगों ने जमकर तारीफ करी, तो वहीं कुछ लोगों ने सवाल किया कि कश्मीर और बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की मौत पर ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जाता। ऑथर एंड एक्टर सुहेल सेठ ने ट्विटर पर पूछा कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम कभी कश्मीरी पंडितों के लिए घुटनों के बल बैठी है। ऑथर शेफाली वैद ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू नरसंहार हो रहा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने घुटने टेक कर ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाई। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान विराट कोहली से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए उन्हें मैनेजमेंट से निर्देश मिले थे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि टेक द नी की शुरुआत कैसे हुई और सोशल मीडिया पर लोग इसे कैसे देख रहे हैं। भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा और KL राहुल ने क्रीज पर पहुंचकर एक घुटने पर बैठकर ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का समर्थन किया। भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ियों ने बाउंड्री के बाहर ऐसा ही किया। पाकिस्तानी टीम के सभी खिलाड़ी घुटने पर तो नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने दिल पर हाथ रखकर इस मूवमेंट का सपोर्ट किया। पिछले साल अमेरिका से शुरू हुए ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट का लगातार दुनिया में समर्थन किया जा रहा है। दरअसल 25 मई 2020 को अमेरिकन पुलिस अधिकारी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रंग से काले व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी थी। ये पूरी घटना बीच रोड पर अंजाम दी गई, जिसे बहुत से लोगों ने अपने कैमरे में कैद भी कर लिया, जिसके बाद से नस्लवाद के भेद को खत्म करने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान चलाया जा रहा है। इतिहास में अगर देखें तो 1950 और 1960 के दशक में मार्टिन लूथर किंग प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए 1965 में अलबामा में घुटने पर बैठे थे। रंग भेद के खिलाफ इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन काफी प्रचलित हो गया। साल 2016 में नस्लवाद के प्रति अपना विरोध जाहिर करने के लिए नेशनल फुटबॉल लीग के खिलाड़ी कॉलिन कैपरनिक, एली हेरोल्ड और एरिक रीड खेल से पहले अमेरिकी राष्ट्रगान के दौरान घुटने पर बैठे थे। हालांकि इसके बाद उन्हें न केवल NFL बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के समर्थन पर लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा है कि कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर इस तरह के समर्थन क्यों नहीं किए जाते। लोगों ने ये भी पूछा कि बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हमले पर भी पूरी दुनिया चुप क्यों है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.